नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज की खबरों की शुरुआत कुछ फटाफट अंदाज में। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर घोर पीडीए विरोधी होने का आरोप लगाया। कहा कि सरकार हर स्तर पर भेदभाव करती है, मुख्यमंत्री भाजपाई पीडीए से नफरत करते हैं। अखिलेश ने कहा कि हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद ही 69,000 शिक्षक भर्ती के पिछड़े और दलित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनका हक नहीं दिया जा रहा। बिजली विभाग की टीम ने दिव्यापुर में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का भंडाफोड़ किया है। 40 से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के मीटर में छेड़खानी मिलने पर उनके कनेक्शन काट दिए गए, मीटर जब्त कर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। अभियान देर रात तक जारी रहा। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में हुए हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने कॉम्प्लेक्स मालिक राकेश सिंघल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया। सिंघल पर कॉम्प्लेक्स के निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग का आरोप है। कॉम्प्लेक्स गिरने के कारणों की जांच करने के लिए गुजरात से राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की टीम लखनऊ पहुंच रही है। कानपुर में रविवार शाम चली कालिंदी एक्सप्रेस बलरामपुर स्टेशन से 2.5 किलोमीटर ही आगे निकली थी कि 8:25 पे मुंढेरी क्रॉसिंग पार करने के बाद बिल्होर स्टेशन से 5 किलोमीटर पहले ट्रैक पर रखा एलपीजी सिलेंडर ट्रेन से टकरा गया। तेज धमाके की आवाज सुनाई देने के बाद लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गार्ड को सूचना दी, जिसके बाद मुंढेरी क्रॉसिंग के गेटमैन को भी जानकारी दी गई। हाल ही में कवि कुमार विश्वास को जान से मारने की धमकी देने को मिली है, जिसमें इस मामले में उनके मैनेजर को गाजियाबाद में FIR दर्ज की गई है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।